विद्यार्थियों ते अध्यापक साथियों, इस वीडियो नू वध तो वध लाइक अते शेयर करो और ज्योमेट्रिकल ड्रैंग वीडियो लई मेरे चैनल नू सबसक्राइब करके बैल आइकन दबाओ। मैकेनिकल ड्रैंग दसवीं श्रेणी लई सेक्टर नंबर 6 दिते हुए मापक स्पाइस बोतल रैक दा मत्था पासा अते तल बनाओ। स्केल दी लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 62 सेंटीमीटर, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर। स्केल बनाउण तों पहला असीं दित्ते हुए स्केच नूं चंगी तरह वेखांगे। इस विच जिस भाग उपर रैड रंग कीता होया है, लाल रंग कीता होया है, वो साडा एलीवेशन है क्योंकि इस उपर लंबाई 80 सेंटीमीटर लिखी हुई है। जिस भाग उपर नीला रंग किया होया है अते चौड़ाई 20 सेंटीमीटर लिखी हुई है, ये साडी साइड है। अते जदों असी स्केच नूं उपरों वेखांगे वो साडा तल होवेगा। स्केल शुरू करन तो पहला असी स्केल दी कुल लंबाई, स्केल दी कुल लंबाई अते कुल ऊंचाई पता करांगे। कुल लंबाई दे विच दो पमैशां दा जोड़ कीता जांदा है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई साडी 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई साडी 20 सेंटीमीटर है। लंबाई अते चौड़ाई दा जोड़ करके 100 सेंटीमीटर साडी कुल लंबाई है। इस तरह ही कुल ऊंचाई पता करांगे सी। ऊंचाई दे विच भी दो पमैशां जुड़ियां जांदियां हन, ऊंचाई जोड़ चौड़ाई। ऊंचाई साडी 62 सेंटीमीटर है अते चौड़ाई साडी 20 सेंटीमीटर है, दोनों दा जोड़ कुल ऊंचाई साडी 82 सेंटीमीटर बनती है। हुण साडी लंबाई ऊंचाई नालों वध है, इसलिए असी पेपर नूं लंबे रुख वरतांगे। कहण तों भाव जिस पासे पेज दी पमैश वध है उस पासे असी लंबाई साडी 100 सेंटीमीटर कट्टांगे। अगर ऊंचाई असी घट पमैश वाले पासे कट्टांगे क्योंकि ऊंचाई साडी 82 सेंटीमीटर है जो कि लंबाई तों घट है। सब तो पहला असी पेपर वंड करांगे। पेज लो, पेज दे उपर 2 सेंटीमीटर छड के हाशिया लाउणा है। हाशिया पमैश नाल लाउणा है 2 सेंटीमीटर, चारे पासों 2-2 सेंटीमीटर छड के हाशिया लाउणा है। हाशिया बिना पमैश तो बिल्कुल नहीं लाउणा। जेकर असी हाशिया बिना पमैश तो लावांगे तां साडी स्केल गलत हो सकती है। सब तो पहला असी ऊंचाई वाले पासे पेपर वंड करांगे। साडी कुल ऊंचाई 82 सेंटीमीटर है, कुल ऊंचाई 82 सेंटीमीटर है। असी हाशिए दे कॉर्नर तों, हाशिए दे उपरले कॉर्नर तों 82 सेंटीमीटर ते निशान लावांगे। हाशिए दे उपरले कॉर्नर तों 82 सेंटीमीटर ते निशान लावांगे। निशान लाउण तों बाद निशान ते न्यून कोण बनाउंदा होया रेखाखंड खिंचांगे।
रेखा खंड उपर पांच भाग करांगे। प्रकार की सहायता नाल पांच बराबर भाग कटांगे। अखीरले भाग नूं पांच नंबर नूं हाशिए दे कॉर्नर नाल मिलावांगे। पांच नंबर रेखा खंड विचों दे समान अंतर, पांच नंबर रेखा खंड दे समान अंतर करमवार सेक्ट स्क्वेयर की सहायता नाल चार विचों दी, तीन विचों दी, दो विचों दी, एक विचों दी समान अंतर रेखा खंड लावांगे। हुण असीं फालतू जगह नूं, जो जगह साडे कोले फालतू वध गई सी, उस नूं पंज बराबर भागां विच वंड लिया है। प्रकार की सहायता नाल दो भाग असीं हेठां प्रकार की सहायता नाल कमैश करो। हाशिए तो हेठों दो भाग छड्डो, दो भाग दूसरे पासे छड्डो, रेखा खंड लाओ, दोने पॉइंट जो लए सन उन्हां नूं आपस विच मिलाओ। दो भागां दी पमैश करो। हाशिए दे उपर कॉर्नर तों कट्टो, पेज दे दूसरे पासे कट्टो, स्केल दी सहायता नाल रेखा खंड लाओ। असी दो फालतू स्थान उपर अते दो हेठां छड्ड दित्ते हन। हुण असी स्केल दी कल्ली उचाई, स्केल दी कल्ली उचाई 62 सेंटीमीटर फालतू स्थान तो अगे कटांगे। स्केल दी कल्ली उचाई फालतू स्थान तो अगे 62 सेंटीमीटर ते निशान लावांगे। 62 सेंटीमीटर ते दूसरे पासे निशान लावांगे। दोने निशानां नूं पक्के रेखा खंड दे रूप विच मिलावांगे। ये साड़ी एक्स वाई रेखा है, ये साड़ी एक्स वाई रेखा है। इस रेखा खंड नूं हाशिए तों पेज दे अखीर तक ले जाओ। फालतू स्थान तो अगे असी 62 सेंटीमीटर कली उचाई कट ली है। हुण असी स्केल दी कली चौड़ाई, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर कटांगे। फालतू स्थान जो असी पहला ही छड चुके हाँ, उस तो अगे 20 सेंटीमीटर ते पॉइंट लो, पेज दे दूसरे पासे 20 सेंटीमीटर ते पॉइंट लाओ,
दोनों पॉइंटा आपस में मिलाओ। ऊंचाई वाले पासे तो साड़ी पेपर वंड हो चुकी है। दुबारे वेखो, हाशिए तो दो फालतू स्थान छड्डो, दो फालतू स्थान हेठां छड्डो, फालतू स्थान तो अगे उपर कली ऊंचाई कट्टो 80 सेंटीमीटर, फालतू स्थान तो हेठों तो उपर वाल 20 सेंटीमीटर कली चढ़ाई कट्टो ते रेखाखंडां नूं आपस विच मिलाओ। हुण असी लंबाई वाले पासे पेपर वंड करांगे। साडी कुल लंबाई 100 सेंटीमीटर है, असी हाशिए दे कॉर्नर तो 100 सेंटीमीटर ते पॉइंट लवांगे। पॉइंट के उपर न्यून कोण बनाता हुआ रेखाखंड खिंचांगे। रेखाखंड खिंचण तो बाद न्यून कोण बनाते रेखाखंड ते तीन बराबर भाग कटांगे। अखीरले भाग नूं हाशी के कॉर्नर नाल मिलावांगे। पहला दी तरह सैट स्क्वेयर की सहायता नाल रेखाखंड तीन नंबर के समान अंतर करमवार दो विचों दी एक विचों दी रेखाखंड खिंचो। इस तरह असी फालतू स्थान नूं तीन बराबर भागां विच वंड लिया है। प्रकार की सहायता नाल फालतू स्थान नूं एक भाग सज्जे पासे पेज दे एक भाग खब्बे पासे कट्टो। फालतू स्थान की पमैश करो, सज्जे पासे रेखा ते निशान लाओ, खब्बे पासे रेखाखंड ते निशान लाओ। इसे तरह ही खब्बे पासे उपर अते हेठां दोनों पासे रेखाखंडा दे निशान लाओ। दोनों निशाना नूं दोनों पॉइंटा नूं आपस विच मिलाओ। लंबाई वाले पासे असी पेज के सज्जे और खब्बे पासे फालतू स्थान छड्ड दिता है। हुण असी स्केल की कली लंबाई, स्केल की कली लंबाई 80 सेंटीमीटर है, स्केल की कली लंबाई 80 सेंटीमीटर है। खब्बे पासे फालतू स्थान तो अगे कटांगे। फालतू स्थान छड्डण तो बाद लाई गई रेखाखंड तो अगे 80 सेंटीमीटर ते पॉइंट लाओ। इस तरह ही हेठली तल वाली लाइन ते 80 सेंटीमीटर ते निशान लाओ। रेखाखंड नूं मिलाओ। दोनों पॉइंटा नूं रेखाखंड की सहायता नाल मिलाओ। हुण असी स्केल की लंबाई वाले पासे कली लंबाई कट चुके हाँ। हुण असी चौड़ाई कटांगे। चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। फालतू स्थान तो अगे 20 सेंटीमीटर ते निशान लाओ। 20 सेंटीमीटर ते हेठले पासे निशान लाओ। दोनों पॉइंटा नूं
आपस विच मिलाओ। पेपर वंड साडी उचाई वाले पासे ते लंबाई वाले पासे हो चुकी है। सानू तीन आयतां प्राप्त हो चुकियां हन अते एक प्रोजैक्शन बॉक्स वर्ग के रूप में प्राप्त हो चुका है। एलीवेशन की ऐत, प्लान की ऐत, साइड की ऐत अते प्रोजैक्शन बॉक्स। सब तो पहला असी प्रोजैक्शन बॉक्स का करन मिलावांगे। स्केच दे विच साडी साइड सानू सज्जे हथ विखाई दे रही है। स्केच दे विच साइड सानू साडे सज्जे हथ विखाई दे रही है, इसलिए असी प्रोजैक्शन बॉक्स का उपरों सज्जा कॉर्नर हेठले खब्बे कॉर्नर नाल मिलावांगे। लोड़ीदियां लाइनां नूं पक्का करो। ऐंच दियां बाहरलियां लाइनां नूं जो असी पक्कियां लाउणियां हन वो पक्का करो। एलीवेशन की बाहर की लाइन पक्की लाओ, ताल की लाइन पक्की लाओ। एलीवेशन की उपरली लाइन पक्की लाओ। ताल दी हेठली लाइन पक्की लाओ। प्रोजेक्शन बॉक्स के कारण नूं मिलाओ। सब तो पहला असीं एलीवेशन नूं पूरा करांगे। असीं देखांगे एलीवेशन दे विच सानूं की दिसदा है। एलीवेशन दे विच खब्बे पासे सानूं दो लाइनां जो कि फट्टी लगी हुई है दिसदी है, जो कि 3 सेंटीमीटर दी है। सज्जे पासे भी यही फट्टी लगी हुई है जो कि 3 सेंटीमीटर दी है। ये सानूं ऐत दे उपर तो लैके हेठां तक एलीवेशन ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੱਟੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ।
ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ये फट्टियां सानू एलीवेशन दे विच दिसदियां हन अते तल दे विच भी दिसदियां हन। जदों असीं उपरों वेखांगे सानू ये फट्टी 3 सेंटीमीटर पक्की नज़र आवेगी। इसलिए मैं तल दे विच नाल दी नाल ला दित्ती है। हुण असीं एलीवेशन दे विच समान अंतर लाइना लावांगे। सब तो पहला हेठों शुरू करांगे सी 2 सेंटीमीटर दिया दो लाइना फट्टी के रूप में लगिया हुई हैं लावांगे। दो सेंटीमीटर के निशान लाओ, साइड के विच भी लाओ निशान ये, क्योंकि जो सानू साइड कंप्लीट करांगे उस टाइम इन्हां दी जरूरत पवेगी। एलीवेशन दे विच सेंटीमीटर की रेखाखंड असी ला दिती है। 2 सेंटीमीटर तो बाद 10 सेंटीमीटर छड़ के 2 सेंटीमीटर तो बाद 10 सेंटीमीटर छड़ के 3 सेंटीमीटर की पाइप गोल पैप पाई हुई है उसते निशान लावांगे। हेठली फट्टी 2 सेंटीमीटर छड़ के उस तो बाद 10 सेंटीमीटर छड़ के 3 सेंटीमीटर के निशान लाओ। यही निशान उस तरह ही साइड के विच भी लावांगे। पहला 2 सेंटीमीटर छड़ियो, 2 तो बाद 10 सेंटीमीटर छड़ के फिर 3 सेंटीमीटर के निशान लाओ। दूसरी फट्टी 2 लाइना जो पैप के रूप में लगी हुई है 3 सेंटीमीटर से असी ला दित्तियां हन। उस तो बाद 15 सेंटीमीटर छड़ के 2 सेंटीमीटर की फट्टी लगी हुई है। इस तो उपर 15 सेंटीमीटर छड़ के 2 सेंटीमीटर लावांगे। पंद्रह सेंटीमीटर छड़ो, 2 सेंटीमीटर ते पॉइंट लाओ। इस तरह ही साइड दे विच पहला लाए पॉइंटा तो अगे 15 सेंटीमीटर छड़ के 2 सेंटीमीटर ते पॉइंट लाओ। पॉइंटा नू आपस विच मिलाओ।
एक दो तीन तीन फटियां हड्डियां लग चुकिया हन। चौथी ये भी इस फटी तो 15 सेंटीमीटर छड के 3 सेंटीमीटर की गोल पैप है। उस तरह ही लाए गए रेखाखंड तो अगे पॉइंट तो अगे 15 सेंटीमीटर छोड़ो, 3 सेंटीमीटर ते पॉइंट लाओ। इस तरह ही साइड वाली लाइन तो लाए गए निशान तो अगे 15 सेंटीमीटर छोड़ो अते 3 सेंटीमीटर ते दूसरा पॉइंट लाओ। दोनों पॉइंटा आपस में मिलाओ। साड़ी तीसरी फट्टी भी लग चुकी है। दोबारे वेखो हेठला 2 सेंटीमीटर, उस तो अगे 3 सेंटीमीटर, उस तो अगे 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, उस तो अखीर च सीधी रेखाखंड। एलीवेशन साडा कंप्लीट हो चुका है। हुण असी साइड नूं पूरा करांगे। साइड विच सानू दो पाइपां जो गोल हैं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दियां हैं। ये फट्टी 2 सेंटीमीटर की है, हेठली फट्टी भी 2 सेंटीमीटर की है। ये जो फट्टियां हैं दोनों अगों 5 सेंटीमीटर छड के लगियां हुई हैं, अगों 5 सेंटीमीटर छड के लगियां हुई हैं। अगों असी 5 सेंटीमीटर ते निशान लावांगे। हेठां भी 5 सेंटीमीटर ते पॉइंट लावांगे। प्रोजैक्शन बॉक्स विच इहदा प्रोजैक्शन लियावांगे असीं। पहला लए पॉइंटां दी सहायता नाल अते एलीवेशन विच लाइयां गईयां फट्टियां दी सहायता नाल साइड दी विच रेखावां नूं पूरा करांगे। ये फट्टियां साइड दे विच इस स्थान ते सानूं अंदर लगियां हुई हैं परंतु दिस नहीं रही, इसलिए यह दानेदार रेखाखंड
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਆ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਈਪਾਂ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ, 3-3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਰੇਖਾਖੰਡ ਲਾਓ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਤੇ, ਦੂਜਾ ਲਾਓ, ਤਿੰਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਅੱਗੋਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 3-3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਅਤੇ ਹੇਠੋਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਵੀ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰਲੀ ਫੱਟੀ ਤੋਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਇਹ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਧ ਚੱਕਰ ਲਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਚੱਕਰ ਲਾਓ। ਦੋਨੇ ਚੱਕਰ ਦੂਸਰੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਿਆਸ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਦਾ ਅੱਧ ਚੱਕਰ ਲਾਓ। ਇਸ ਰੇਖਾਖੰਡ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ, ਪਹਿਲੇ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਤੋਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੀਜਾ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ, ਤੀਜੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਤੀਜਾ ਅੱਧ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ। ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਪੱਕੀਆਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਨੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਓ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਪ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਸਿਰੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੋਲ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੱਟੀਆਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਪਾਈਪਾਂ ਅੱਗੋਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਫੱਟੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਤੋਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆਓ। ਤਿੰਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆਓ। ਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਲਾਓ। ਕੱਚੀ ਲਾਈਨ ਲਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਗੋਲ ਪਾਈਪ ਹੈ ਇਹ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਫੱਟੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ
सामने वाली लाइन इस दे थले दिसेगी, इसलिए इसनू असी इस जगह पर इस दे विच कच्चा लाया है। साडा एलीवेशन साइड अते तल प्रोजैक्शन बॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। हुण उपरले फालतू स्थान के बिल्कुल विचकार एलीवेशन साइड अते प्लान लिखांगे। हेठले पासे जो फालतू स्थान साडे कोले बचा है उस विच असी पैमाना बनावांगे। इस तरह असी उपरले फालतू स्थान विच अक्षर लिख सकते हाँ, हेठां तल दे विच अक्षर लिखांगे। स्केल की कली उचाई एलीवेशन की कली उचाई 62 सेंटीमीटर एलीवेशन अते साइड दे विचकार पमैशां हेठों 2 सेंटीमीटर ते फटी 10 सेंटीमीटर ते उस तो बाद 3 सेंटीमीटर फिर 15 सेंटीमीटर छड के 2 सेंटीमीटर की फटी फिर 15 सेंटीमीटर छड के 3 सेंटीमीटर की पैर अते उस तो उपर 12 सेंटीमीटर बच गया है। इस तरह ही ये फटी साइड दे विच 5 सेंटीमीटर पिछे है, ये पमैशा 3 सेंटीमीटर ते हैं। साइड की चढ़ाई लिखो 20 सेंटीमीटर एलीवेशन की लंबाई लिखो 80 सेंटीमीटर तल की चढ़ाई लिखो 20 सेंटीमीटर। फालतू स्थान के हेठले पासे पैमाना बनाओ 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर के। पहला की तरह एक रेखाखंड लो, अधे सेंटीमीटर के फासले से समान अंतर दूसरा रेखाखंड लो, तीसरा रेखाखंड वध दूरी ते लो, उपरले रेखाखंड उपर 1-1 सेंटीमीटर के निशान लाओ। पहली लाइन नू 90 दे कोण ते मिलाओ, दूजी नू तीसरी नू जिन्ने भी निशान लाए ने सारियां लाइनां नू 90 दे कोण ते हेठले रेखाखंड नाल मिलाओ। पहले भाग विच पहले सेंटीमीटर 0 तों 5 लिखो, हेठां न्यून कोण बनाउंदा होइआ रेखाखंड खिंचो, उस उपर 1 तों लैके 5 बराबर भाग कट्टो, हीरले भाग नूं 0 वाले लाइन नाल मिलाओ। उसके समान अंतर क्रमवार 5 निशाना विच दी पॉइंटा विच दी रेखाखंड खिंचो। पहले इस तरह असी पहले भाग नूं पहले सेंटीमीटर नूं 5 सेंटीमीटर विच वंड लवांगे, 0 तों 5 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5 दे फर्क नाल संख्यावां अंकित करो। स्केल दे थले दित्ती हुई स्केल दी पमैश लिखो, स्केल बराबर है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर दे। इस तरह दित्ते हुए स्पाइस बोतल रैक दी असीं स्केल बना सकते हैं।